गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माई स्टूडेंट्स एंड योर वेलकम फॉर इंग्लिश यूटोपिया। ये तो आप जानते ही हैं कि ये इस चैनल का नाम है और इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है UGC NTA NET की। अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है या इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल और इसका कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। आज के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। आपको राइटिंग के जो टाइप्स हैं उनका मैच करना है उसके दिए हुए डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका एग्जेजेसिस, जो कि एक टाइप्स का नाम है। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? एग्जेजेसिस यानी फर्स्ट नंबर पर है हमारा राइटिंग अबाउट सेंट स्लेव्स। एग्जेजेसिस उसको कहा जाता है जिसमें कि लिखा जाता है सेंट्स की लाइफ के ऊपर, जो हमारे संत होते हैं उनके जीवन के ऊपर लिखने जो लेखनी लिखी जाती है उसको कहा जाता है एग्जेजेसिस। नेक्स्ट इज द इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पैसेज। जब किसी भी पैसेज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो उसको बोला जाता है इन्वेक्टिव। हैजियोग्राफी का डिस्क्रिप्शन ए डिफेंस और जस्टिफिकेशन ऑफ वंस एक्शन एंड बिलीव्स। ए डिफेंस और जस्टिफिकेशन, जब किसी चीज़ का न्यायोचित रूप में एक एक्शन का विश्वास करते हुए, किसी भी एक्ट का विश्वास करते हुए लिखा जाता है जस्टिफिकेशन के बारे में, तब वहाँ पर लिखा, तब उस राइटिंग के टाइप्स को बोला जाता है हैजियोग्राफी। इज दैट क्लियर? हैजियोग्राफी ए डिफेंस और जस्टिफिकेशन ऑफ वंस एक्शन एंड बिलीव्स। किसी के विश्वास को, किसी के कार्य को जस्टिफाई करना, डिफेंस करना हैजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एपोलॉजी। एपोलॉजी मैच इज द ए बिटरली क्रिटिकल अटैक ऑफ समथिंग। बहुत ही बुरी तरह से आलोचनात्मक रूप में किसी पर आक्रमण करने को बोला जाता है अपोलॉजी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे राइटिंग टाइप्स हैं और राइटिंग टाइप्स के सामने ही उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल हम रिवीजन पीरियड में हैं, तो रिवीजन पीरियड में यही बेहतर होगा कि हम अपने सही ऑप्शन को ज़्यादा देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम हूज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरियोपैगेटिका। पूछा जा रहा है आपसे वो कौन सा वर्क है जॉन मिल्टन का जिसमें एपिग्राफ में एरियोपैगेटिका, उसका जो एपिग्राफ है वो एरियोपैगेटिका से लिया गया है। तो वो वर्क है आपका यूरिपिड्स। इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रॉम यूरिपिड्स वर्क मिल्टन टुक द एपिग्राफ टू हिज एरियोपैगेटिका। मिल्टन बिगिन्स हिज आर्ग्यूमेंट बाई प्रेजिंग पार्लियामेंट्स हिस्ट्री ऑफ डिफेंडिंग लिबर्टी। एरियोपैगेटिका प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंड कॉल्स फॉर द रिपील ऑफ द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643 विच रिक्वायर्ड ऑल बुक्स टू बी रिव्यूड बाय द ऑफिशियल सेंसर बिफोर बीइंग पब्लिश्ड। इज दैट क्लियर? इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एरियोपैगेटिका एपिग्राफ के, उसका जो एरियोपैगेटिका था उसका जो एपिग्राफ है उससे मिल्टन ने क्या लिया था, तो वो कौन सी चीज़ थी जिस वर्क से ये दोनों चीज़ें उठाई गई, तो वो था आपका यूरिपिड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स वाज आर्थर साइमंस वाज रेफरिंग टू एज एन इंटरेस्टिंग डिजीज एंड एन ओवर सब्सटिलाइजिंग रिफाइनमेंट अपॉन रिफाइनमेंट। ठीक है, बात की जा रही है आपसे वो कौन से मोमेंट्स थे आर्थर साइमंस के टाइम में जिन्होंने रेफ़र किया था इन नामों को या इस नाम के मोमेंट्स को। तो है आपका डिकेडेंस। डिकेडेंस मोमेंट वाज द व्यू दैट आर्ट इज़ टोटली अपोज टू नेचर इन द सेंस बोथ ऑफ। अगर हम इसकी जो है टर्म्स की बात करें, डिकेडेंट मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जिसकी विचारधारा थी वो आर्ट का टोटली अपोज्ड करते थे नेचर इन द सेंस बोथ। उनकी नज़र में नेचर और सेंस ये दोनों ही चीज़ें वो किसका अपोज कर रहे हैं, नेचर इन द सेंस बोथ ऑफ और आर्ट का। तो ये सारी चीज़ें डिकेंडेंट मूवमेंट में आती थी जिसमें वो अपोज करते थे अपने नेचर का भी और प्लस आर्ट का भी। तो इस तरह से आप इसको क्लियर करें। नेक्स्ट देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द थीम ऑफ अपार्टहाइड। अपार्टहाइड का अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन से दो नॉवेल हैं जिसमें इस थीम को, जिसका कि अपार्टहाइड की थीम को अप्लाई किया गया, डील किया गया, तो वो दो नॉवेल हैं जूलियस प्यूपिल एंड थर्ड इज़ द क्राई द बीलव्ड कंट्री। नॉवेल जूलियस प्यूपिल एंड क्राई द बीलव्ड कंट्री डील विद द थीम ऑफ अपार्टहाइड।
Julie's Pupil is a 1981 novel by the South African writer Nadine Gardiner. तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कंटेंट की आपको ध्यान देना है कि जूलीज प्यूपिल, ठीक है, जूलीज प्यूपिल एंड द क्राई द बीलव्ड कंट्री, ये टू नॉवेल्स हैं जिन्होंने डील किया अपार्टेड थीम को, लेकिन ये हैं किस किस के, इसकी राइटर कौन है, हु वाज द राइटर ऑफ द जूलीज एंड हु वाज द राइटर ऑफ क्राई द बीलव्ड कंट्री. तो अगर हम जूलीज प्यूपिल इज ए 1981 नॉवल बाय द साउथ अफ्रीकन राइटर नैडिन गार्डनर एंड इट इज सेट इन ए नियर फ्यूचर वर्जन ऑफ साउथ अफ्रीका वेयर अपार्टेड इज एंडेड थ्रू ए सिविल वॉर. क्राई द बीलव्ड कंट्री इज ए नॉवल बाय एलन पैटन पब्लिश्ड इन 1948. दिस नॉवल इज ए सोशल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी दैट वुड लेटर गिव राइज टू अपार्टेड. अपार्टेड इज एन, अब अपार्टेड क्या है, वॉट इज द अपार्टेड, अपार्टेड इज एन अफ्रीकांस वर्ड मीनिंग सेपरेटनेस का मतलब जानते ही हैं आप, सेपरेट तो सिंपल सा है, लेकिन सेपरेटनेस और द स्टेट ऑफ बींग अपार्ट, लिटरेरी अपार्टहुड, अंडरस्टूड. तो इस तरह से करके अगर हम देखें तो अपार्टेड का मीनिंग भी इसमें आ गया और आपके दोनों नॉवेल का एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल्स डील विद द मर्डर ऑफ ए चाइल्ड बाय ज्यूज. चौसर्स की कैंटरबरी टेल्स में जो एक बच्चे का मर्डर ज्यूज के बाय द ज्यूज हुआ है, तो बताइए वो कौन सी टेल है. वो टेल है द प्रायरस टेल. द प्रायरस टेल में जो कैंटरबरी टेल्स की 24 टेल्स है ना, तो उसी में से देखिए कौन सी टेल्स है, द प्रायरस टेल, जिसमें कि एक चाइल्ड का मर्डर किया गया बाय ज्यूज, यानी ज्यूज के द्वारा. द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज दैट वाज पब्लिश्ड इन 1400. द फ्रेमिंग डिवाइस फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इज ए पिलग्रिमेज टू द श्रीन ऑफ थॉमस ए बेकेट इन कैंटरबरी. कैंट द 30 पिलग्रिमेज हु अंडरटेक द जर्नी गैदर एट द टबार्ड इन साउथ वर्क. ये तो आप जानते हैं कि टबार्ड इन में जाकर के ये सब के सब रुके हुए थे, कैंटरबरी टेल्स के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने स्टोरीज सुनाई थी, जो पिलग्रिमेज थे, तो वो 30 पिलग्रिमेज कहाँ पर रुके थे, टबार्ड इन में रुके थे साउथ वर्क में. अक्रॉस द थॉमस फ्रॉम लंदन इन द प्रायरस टेल डिस्क्राइब्स हाउ ए विडोज डिवोट यंग सन इज अबडक्टेड बाय ज्यू. तो ये स्टोरी का भी आपको थोड़ा सा पार्ट इसमें देखने को मिल गया है और आपको ये स्टोरी भी लर्न करनी है कि वो कौन सा है जिसमें कि एक बच्चे का मर्डर ज्यूस के द्वारा हुआ था, तो वो है द प्रायरस टेल. नेक्स्ट देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को आपको इसमें से देखना है, वो कौन से दो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या जो है हमारे जिन्होंने क्रिटिकल वर्क लिखा फेमिनिस्ट के ऊपर, इसके स्टेटमेंट को आपको देखना होगा. चलिए देखते हैं. फर्स्ट देखिए, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, वो कौन से दो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है. नंबर फर्स्ट है, रिकॉपरेट द फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय द कैनन. एंड फोर इज द मोस्टली रिजेक्ट द एसेंशियलाइजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इज द सी, यानी वन एंड फोर. वन एंड फोर में कहा गया है रिकॉपरेट द फीमेल्स राइटर्स इग्नोर्ड बाय द कैनन एंड मोस्टली रिजेक्टेड द एसेंशियलाइजिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. ये दोनों ही स्टेटमेंट ऐसे हैं जो हमें ये साबित कर रहे हैं कि इसमें जो फीमेल को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के लिए एप्लीकेबल हैं और उन पर अप्लाई किया जा सकता है. इन दोनों स्टेटमेंट को ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो दो आपके स्टेटमेंट हैं वो कौन से हैं जो कि एप्लीकेबल हैं टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, टू स्टेटमेंट्स इज देयर. वट इज़ द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ नॉम चॉम्स्की, वो कौन से पब्लिकेशंस का ऑर्डर या क्रम है जिसमें कि नॉम चॉम्स्की की बुक के अनुसार उनके जो है पब्लिकेशन के ऑर्डर को आप सही सही लगाए. नॉम चॉम्स्की का नाम तो सब जानते ही हैं कि वो एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट हुए हैं. तो नॉम चॉम्स्की की जो बुक्स हैं उनके पब्लिकेशन ऑर्डर को आपको लगाना है. इसमें फर्स्ट है हमारा
हम सिर्फ आंसर की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो फर्स्ट है आपका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जो पहली बुक आई। सेकंड बुक पब्लिश होती है एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, इट इज़ द सेकंड बुक। थर्ड इज़ द फिर थर्ड आती है आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, इट इज़ द थर्ड बुक। एंड द फोर्थ बुक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इस तरह इनका ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन है 3-2-1-4 3-2-1-4 नीचे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब्राहम नोम चोम्स्की वॉज एन अमरीकन थियोरेटिकल लिंग्विस्ट, समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है। द ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स नोम चोम्स्की इज एज फॉलोइंग, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957, एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स 1965, एंड नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम 1971, एंड द नेक्स्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज 1986। ये सभी इनके पब्लिकेशंस का ऑर्डर है, जिसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द जाज एज। जाज एज क्या थी, किसके अनुसार आप इसको एसोसिएट मानते हैं, या कौन थे जिन्होंने इसको अपना जाज एज को एसोसिएशन किया या जिसके वो सहायक रहे। तो ए है अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट स्विट्जरलैंड। अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट स्विट्जरलैंड वो लोग थे, वो दोनों राइटर हैं जो कि जाज एज को एसोसिएट करते हैं। द जाज एज वॉज ए पीरियड इन द 1920 एंड द 1930 इन विच जाज म्यूजिक एंड डांस स्टाइल्स रैपिडली गेंड नेशन वाइड पॉपुलरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट स्विट्जरलैंड आर एसोसिएटेड विद जाज एज। सेट के लिए ये समझ आ गया होगा आपको कि जाज एज जो थी वो पीरियड कहलाया 1920 से 1930 के बीच का, उसमें जाज म्यूजिक और डांस स्टाइल को भी अप्लाई किया गया और उसी की वजह से उसको पॉपुलरिटी मिली यूनाइटेड स्टेट में। अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट स्विट्जरलैंड ये दोनों ही जाज एज को एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द यूनेस्को डेफिनेशन ए पैम्फलेट इज एन अनबाउंड पब्लिकेशन दैट इज नॉट ए पीरियडिकल एंड कंटेंट्स। यूनेस्को की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पैम्फलेट, वो पूछ रहा है आपसे कि एक पैम्फलेट अनबाउंड पब्लिकेशन होता है दैट इज नॉट ए पीरियडिकल एंड कंटेंट्स। तो बताइए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है पम्फलेट्स का, ये पूछा गया है आपसे। तो बात हो रही है इसके आंसर की, नो फ्यूअर देन 5 एंड नो मोर देन 48 पेजेस। ठीक है, 5 से कम नहीं होना चाहिए, 48 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, या इसका एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब इसका जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन है ये पैम्फलेट की। यूनेस्को डिफाइंस, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनेस्को डिफाइंस ए पैम्फलेट एज ए नॉन पीरियडिकल प्रिंटेड पब्लिकेशन ऑफ एट लीस्ट 5 बट नॉट मोर देन 48 पेजेस, एक्सक्लूसिव ऑफ द कवर पेजेस, पब्लिश्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री एंड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। इज दैट क्लियर, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि 5 से कम नहीं और 48 पेजेस से ज़्यादा नहीं, ये यूनेस्को ने डिफाइन किया था पैम्फलेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इन पोएम्स को जो कि आप नीचे लिखी हुई हैं देख रहे हैं, तो इन पोएम्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है इट इज़ द राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट आफ्टर द डंसियाड एंड द नेक्स्ट अलेस्टर एंड द नेक्स्ट लामिया, इस तरह करके इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। एक्सप्लेनेशन अगर देखी जाए, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पोएम इज एज फॉलोइंग। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में लिखी गई, द डंसियाड 1728 में लिखा गया, अलेस्टर 1816 में लिखा गया एंड लामिया 1820 में लिखा गया। इस तरह अगर हम समझते हैं और देखते हैं तो हमारा सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट है, उसके बाद द डंसियाड है एंड द नेक्स्ट इज द अलेस्टर है एंड लामिया इज द 1820 है। ठीक है, चलिए, इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स। इनमें से कोई दो हैं जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है।
इसी तरह के क्वेश्चंस देखिए पूछे जाते हैं यूजीसी एनटीए नेट में, और आपको इन्हीं के आसपास की जो है थोड़ा सा तैयारी भी करनी चाहिए। ये एक रूल होता है कि जब आप इतने बड़े कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हों तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर याद रखें, ताकि अगर उसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकें। ये नहीं कि आपने सिर्फ क्वेश्चन एक ही पढ़ा उसी का आंसर रट लिया, तो ऐसा ना करिएगा। इससे बेहतर है कि आप उसके आसपास का सब कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यही मेरा यहाँ पर मेथड भी है पढ़ाने का, ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा सकूँ कि कितना कुछ आ सकता है आसपास से भी, और उसके नियर अबाउट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको समझना भी चाहिए और उसे समझने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठा लिया जाता है कभी कभी। देखिए तो इस तरह से समझिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स। इसमें हमारे पास जो आंसर्स दिए हुए हैं उसमें हमारे टू ऑप्शंस सही हैं, जिसमें की है एक आपका पहला, इसमें सेकंड नंबर पर जो है मीटलेस, एंड नंबर थर्ड इज प्रिजन एंड चॉकलेट केक। तो प्रिजन एंड चॉकलेट केक की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट है, टू एंड थ्री। मीटलेस डेज एंड प्रिजन एंड चॉकलेट केक आर ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स। मीटलेस डेज इज ए सियरिंग मेमोर ऑफ लाइफ इन द न्यूली क्रिएटेड कंट्री ऑफ पाकिस्तान। मीटलेस डेज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सारा सुलेरी गुड एयर। एंड प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नैन तारा सहगल, एन इंडियन राइटर एंड मेम्बर ऑफ नेहरू गांधी फैमिली। इज दैट क्लियर? अब ये आपको समझ आ गया होगा कि मीटलेस डेज एंड प्रिजन एंड चॉकलेट केक ये दोनों ही हमारे ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स हैं। इनके राइटर्स कौन हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पहले राइटर हैं, जिसमें कि हम कह रहे हैं बार बार मीटलेस डेज की, ये ऑटोबायोग्राफी है सारा सुलेरी गुडियर की। और जो प्रिजन एंड चॉकलेट केक है ये ऑटोबायोग्राफी नैनतारा सहगल की है, जो कि इंडियन राइटर हैं। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, मीटलेस डेज लिखने वाली जो सारा सुलेरी गुडियर हैं वो एक पाकिस्तानी राइटर नहीं, या मतलब इस तरह से समझिए कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद जाहिर सी बात है कुछ लोग उधर गए कुछ इधर आए हमारे इंडिया की तरफ, तो ये पाकिस्तान कंट्री न्यूली क्रिएटेड थी कंट्री ऑफ पाकिस्तान को। और मीटलेस डेज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सारा सुलेरी गुडियर, प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नैनतारा सहगल, एन इंडियन राइटर मेंबर ऑफ नेहरू गांधी फैमिली। बस इस तरह से करके अब आपको इसको याद करना है। यही 10 क्वेश्चंस थे जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करने थे। आप इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। बहुत ज़्यादा दिन अब दूर नहीं है कि हमें बहुत जल्दी ही अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, नेट और JRF निकालना है। तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ज़रूर आप इसी तरह अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और जो पुराने बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो ना हमारे न्यूली सब्सक्राइबर हैं वो भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।